वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट बिहार फोर इयर्स बीएड वाले, ये इंग्लिश का आपका पूरा का मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ। आपका वैसे ऑफिशियल किया आएगा तो आप वहाँ से भी एनसीसीट आएगा तो वहाँ से भी देख सकते हो। एक दो क्वेश्चन का हेर फेर होगा, ज़्यादा क्वेश्चन का हेर फेर नहीं होने वाला है। तो अब चलिए यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। आप लोग जितने भी लोग एग्जाम देकर आए हो मैच कर लो जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर देखिए, हिज बॉस गेव ए डिरोगेटरी रिमार्क अबाउट हिज वर्कर। क्या बॉस कोई भी अपमानजनक स्थिति से, यानी कुछ भी ऐसा है मतलब बोलता है, अगर रिमार्क देता है कि हाँ ये लोग बॉस अंदर किसी से देखता है नहीं ना अपने वर्कर को, तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? रोचक नहीं है, प्लीजेंट सुहावना भी नहीं होती, तो कुछ लॉजिक ही नहीं बना। इंडिफरेंट मतलब अलग अलग, तो इसमें क्या बना? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, कोई कहता है ना कि यार वाह तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री ही देता है ना, तो इसी के लिए। फिर देखिए, सम विलेजर लाइफ इन अ डीपी रोएबल मतलब कि डीपी रोएबल मतलब बहुत ही बदतर स्थिति में वो सिचुएशन में रहता है, तो क्या होगा? मिजरेबल मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। फिर अनहाइजेनिक मतलब गंदगी से भरा। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है यहाँ पे? दुर्भाग्य। बस कमेंडेबल मतलब क्या होता है? तो सराहनीय होता है। तो क्या पे अनहाइजेनिक मतलब वह गंदगी भरे, जब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। फिर मेनी फूड आइटम हैज आर्टिफिशियल कलर, तो यहाँ पे देखिए आपको तो जाहिर है ट्रूथफुल, क्या सत्य कलर होगा? नहीं होगा। ड्राई होगा? नहीं होगा। प्योर होगा? तो नहीं होगा। शुद्ध कलर भी तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो नेचुरल कलर, यानी कि प्राकृतिक कलर होता है। द ऑफिसर एक्सग्रेटेड द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड, बाय फ्लड होगा। यहाँ पे देखो इग्नोर होगा? नहीं होगा। क्यों? इग्नोर तो नहीं कर सकता। अप्रिसिएट मतलब सराहनीय करेगा, क्या बाढ़ आई है तो उसको सराहनीय करेगा? नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, कमेंडेड होगा तो यहाँ पे सराहनीय, इसका ये भी नहीं होने वाला। तो अंडर एस्टिमेट यानी कि उसको देखने का वो प्रयास मतलब कितनी खतरा था उससे, वो उसको क्या कर दिया? अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर दूसरा देखिए, जॉन वाज अनहैप्पी विथ हॉस्टाइल एटीट्यूड, क्या वह अपने किस नेचर से मतलब किस एटीट्यूड से बहुत ही अनहैप्पी रहता था? तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो था उसी से वो क्या रहने लगा? बहुत ही अनहैप्पी रहने लगा। क्योंकि फ्रेंडली तो होगा नहीं, फ्रेंडली से तो अनहैप्पी रहेगा। प्लीजेंट मतलब आनंददायक, आनंददायक से तो हैप्पी रहेगा नहीं। इनडिफरेंट मतलब हैप्पी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए आइए अब हम पैसेज में आते हैं। इस पैसेज में क्या कहना है, मैं आपको पैसेज करना सिखाई हूँ। सबसे पहले पैसेज है, क्वेश्चन करते हैं। द स्पीकर टोन यानी कि जो पैसेज जो कह रहा है उस स्पीकर का टोन क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज, डेडली डिजीज मतलब सबसे खतरनाक बीमारी क्या है। द मैसेज गिवन बाई द पैसेज, पैसेज में क्या मैसेज दिया गया है। अमेरिका कैंसर सोसाइटी स्पेंड मनी, कहाँ खर्च करते हैं अमेरिका का जो सोसाइटी है कैंसर, तो ये कहाँ मनी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज जेफ कैन नॉट मतलब इस पैसेज के अनुसार जेफ क्या था, क्या नहीं कर सकता था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जीफ कैथ हैज ओनली वन लेग, जीफ कैथ के पास क्या था? एक ही पैर था। वेन ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह 12 साल का था। जीफ हैड ए कैंसर मतलब क्या था, उसे कैंसर हो चुका था। डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज आई मतलब डॉक्टर उसका राइट पर लेग क्या थे, काट चुके थे। एवरी डे जीफ पुट्स द आर्टिफिशियल लेग ऑफ प्लास्टिक मतलब कि क्या था, प्रत्येक दिन जीफ क्या था अपने पैर में मतलब प्लास्टिक का पैर लगाता था। विथ द प्लास्टिक लेग मतलब कि प्लास्टिक की लेग के साथ जेफ कैन स्काई मतलब जेफ क्या क्या कर सकता था। देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया 15 नंबर का। जेफ क्या कर सकता था? देखिए स्काई कर सकता था, राइड कर सकता था, बाइसाइकिल्स चला सकता था, स्विम कर सकता था, रन कर सकता था और प्ले फुटबॉल। तो चलिए यहाँ पे आंसर में देखते हैं, यहाँ पे आपने अभी क्या पढ़ा है, स्काई कर सकता था, स्विम कर सकता था, प्ले फुटबॉल कर, क्या नहीं कर सकता था पूछा है यहाँ पे, तो प्ले टेनिस यानी कि टेनिस वो नहीं खेल सकता था। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही खोले जा सकते हैं, आगे जाइएगा तो आप इस बात का भविष्य में किसी भी चीज़ का कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, वेन ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, जब वो 22 साल का था, जेफ रैन अक्रॉस मतलब क्या था, जेफ क्या था, बाहर घूमने गया यूनाइटेड स्टेट में, ईस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ही स्टार्टेड द रनिंग इन बोस्टन, बोस्टन में उसने दौड़ना शुरू किया। 7 मंथ लेटर 7 महीने बाद हैज स्टॉप इन लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स में वो रुका। ही रन 3200 मील्स, तब तक वह 3200 माइल्स क्या कर रहा था, चल चुका था मील। जेफ स्टॉप्ड इन मेनी सिटीज, जेफ क्या था, बहुत सारे शहर में रुका। पीपुल गेव ए मनी टू हिम फॉर द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, पीपुल यानी कि लोग जो थे अमेरिकन सोसाइटी को मनी देते थे। द सोसाइटी यूजेज मनी टू रिसर्च कैंसर, और जो सोसाइटी क्या थी, मनी किस पर खर्च कर सकती थी, रिसर्च करने के लिए कैंसर पर। यह भी आपको देखिए आंसर मिल रहा होगा। ऑन द वे लॉस एंजल्स ही टॉक्ड अबाउट द डेडली डिजीज
पीपुल डोनेटेड द मनी फॉर द पीपुल, अपनी उदारता के कारण क्या थे, मतलब एक वे बना चुके थे जो कि बहुत खतरनाक बीमारी थी कैंसर, उसे उसके लिए वो मनी इकट्ठा कर रहे थे। आफ्टर द फिनिशिंग कॉलेज, जब उसने कॉलेज फिनिश कर लिया, ही स्टडिंग ए लॉ, उसने लॉ की पढ़ाई की। जीफ से, और जीफ ने कहा, पीपुल कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट टू डू, पीपुल कुछ यानी कि लोग कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। आई रैन नॉट ओनली फॉर डिजेबल पीपुल, मैं उन लोगों के लिए नहीं दौड़ रहा हूँ जो कि फिजिकल डिजेबल्ड है, मैं आई रैन फॉर एवरीबडी, मैं सारे लोगों के लिए दौड़ रहा हूँ। द स्पीकर टोन पैसेज, स्पीकर का टोन कैसा था, तो पॉजिटिव था, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव था। नेगेटिव था, नहीं था। कंफ्यूज था, क्या वो कंफ्यूज था अपने आप में, नहीं था। इरिटेट था, यानी कि परेशान कर रहा था किसी को, नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, पहला का आंसर बी होगा। फिर दूसरा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेडली डिजीज, मैंने आपको बताया कि सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो सबसे खतरनाक बीमारी हमारा कैंसर है। चलिए, द मैसेज गिवन इस पेप, मतलब क्या मैसेज देना चाहता है, तो इसका आंसर ये होगा। मैंने लास्ट में ही आपको पढ़ा था, देखिए यहाँ पे, ये है, पीपुल कैन डू एनीथिंग दे वांट टू डू, पीपुल वो कर सकते हैं जो कि वो क्या है, चाहते हैं। तो पहला मिल गया आंसर। देखिए इस पैसेज में इतना छोटा छोटा पैसेज रहता है, बस आपको पैसेज में ही आंसर रहता है। फिर यहाँ पे देखिए, द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी मनी इन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी अपना मनी किस पर खर्च कर रही थी, तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी लर्निंग अबाउट कैंसर, यानी कि कैंसर को समझने के लिए वो अपना मनी खर्च कर रही थी। अब मैंने 15 का आंसर बता दिया था, प्ले टेनिस। आई होप कि अब आपका सारा कोर्स 15 में 15 मार्क्स आए होंगे। चलिए आप मुझे बताइए कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आए हैं, 15, 14, 13 कितने आ रहे हैं। चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया हो, आप सेलेक्ट हो जाओ।